देखिए, तोरण की पट्टी हमने पहले से बना लिया था, ये 3 फीट गेट के लिए है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब व्हाइट कलर से ये सफेद कलर ऊन से बनाना शुरू करेंगे। पहले नोट बांध लेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था। मैं पीला और जो जामुनी कलर का हमने तोरण बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत प्यार से भी बहुत बहनें कमेंट की हैं। और जिन बहनों को समझ में नहीं आया था, उन्हें ने बोला था हर एक लाइन मैम दिखाइए आप, इसलिए हम रेड और व्हाइट में वही तोरण सेम बनाएंगे। देख, अगर वो वाले डिजाइन आप लोगों को देखना होगा तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जो बहने नहीं देखे होंगे उसको भी कलर वाइज देख लेंगे, तो उनको अगर कलर पसंद आएगा तो उस कलर का बना लेना, नहीं तो रेड कलर का बना लेना, नहीं तो जो आपको कलर पसंद होगा उसका बनाना। देखिए, जो हमने ये लास्ट में यहाँ पे फ्लावर बनाया था, यहाँ पे हम उनको ज्वाइन किए हैं एकदम यहाँ पे लास्ट में। अब देखिए, एक दो दो चैन लिए हैं, एक बार लपेटे, दो बार कुरुस में, तीन बार। आप लोगों को बहुत स्लो दिखा रही हूँ, 3 बार हमने कुरुस में लपेट लिया। अब ये जो लूप है इसमें हम बनाना शुरू कर रहे हैं। एक फंदा निकालें, दो तीन, अब एक ये बन गया हमारा। अब एक दो चैन, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर इसी लूप में बनाएंगे, दो तीन बार निकालेंगे, ये हो गया। फिर एक दो चैन, फिर ये 3 बार लपेटना। ऐसे हम इसमें कुल मिला के 6 अटेम्प्ट फंदे बनाएंगे। अब देखिए, हमने 2 पहले से बनाया था, इसमें हम 6 बनाएंगे, बना के दिखाते हैं। देखिए, एक लूप में ही हमने 1 2 3 4 5 6 6 हमने यहाँ पे फंदे बना लिए। अब यहाँ पे टाइट टाइट 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लिए। अब देखिए, जस्ट बगल इसके, इस लूप के जस्ट बगल वाले में इसे हम ज्वाइंट कर दिए। ये हमारा एक पैटर्न यहाँ पे तैयार हो गया है, एक फ्लावर बनने के लिए रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 चैन, अब एक बार लपेटे, दो बार, तीन बार लपेट लिए। अब इस लूप को स्किप कर देंगे, इसमें हम नहीं बनाएंगे, दूसरे वाले में हम बनाएंगे। बहुत आराम से आप लोगों को हम समझा रहे हैं। देखिए, थोड़ा फंदा आगे पीछे का झोल होता है, अगर आप लोगों का टाइट हो तो थोड़ा सा लूज करके फंदा निकाला करें। अगर टाइट होता है, अगर टाइट नहीं होता है, जिसे लूज रहे तो उसे टाइट कर दें, यही बस फर्क रहेगा, बाकी मैं सब कुछ बताती हूँ A to Z। अब देखिए, हमने ये फंदा बनाने के बाद 1 चैन लिया, 2 चैन, अब 1 2 3 बार लपेट लिए, इसी लूप में फिर हम बनाना शुरू किए, दूसरा बन गया। अब 1 2, फिर 1 3 बार लपेटे, फिर इसी लूप में यहाँ पे फंदे बनाने, बुनाई करने लगे। देखिए, 3 हो गया, बहुत इजी है बहन, आप लोग ट्राई करना। मगर जैसे हमने, जब भी कोई चीज़ हम पहले बनाते थे तो थोड़ा सा देख लेते थे ना, तो फिर रुक जाते थे और उसे देख के उतना बना लेते थे, फिर उसके आगे हम देखते थे, फिर बनाते थे। आप लोग वैसे ही करना, कभी भी बहन आप लोगों का खराब नहीं होगा। जैसे हमने इसमें 6 बनाया है फंदे, 3 हमने बना लिया है, अभी 3 और बना के आपको दिखाते हैं। ऐसे ही बनते पूरा ये लाइन कंप्लीट होगा। मैं चली आई हूँ, अब इसमें हम कितने फंदे बनाए हैं लास्ट वाले में, 1 2 3 4 5, 2 चैन ले लिए हैं। अब देखिए, हम 1 बार कुरुस में लपेटे, 2 बार 3 बार, अब इसे ट्रिपल क्रूसिया कहो, 4 क्रूसिया कहो, ये हम नहीं जानते, हमने आपको ये बताया है। 1 2 3 बार हमने क्रूस में लपेट लिया है, फिर उसके बाद हम 1 फंदा निकालें, 2 3, ये लास्ट वाला हो गया। देखिए, हमारे ये फ्लावर बनने के लिए ये लास्ट का रेडी हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है, हम इसे कहाँ पर बांधे।
अब इसे एक चैन ले ले रहे हैं, ये यहाँ पे जस्ट उसके बगल में बांध दिए हैं। देखिए एक और हम चैन लेके उनको तोड़ दे रहे हैं, आप लोग तोड़ लेना या तो कैंची की सहायता से काट लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये बन गया व्हाइट कलर का, अब हम रेड कलर बनाना बताएंगे। बहुत इजी है बहन, आप लोग जैसे बोले थे एकदम स्लो स्लो से बताना, इसीलिए ये वीडियो बड़ी होगी उन बहनों के लिए है जो बना नहीं पाई हैं या जो समझ नहीं पाई हैं, क्योंकि हमने इसको वीडियो में एक एक लाइन करके दिखा दिया था, सीधे सीधे बनाना है। देखिए कोई फंदा आगे पीछे नहीं हुआ है, सेम मैं बना रही हूँ। ये चैन का हेर फेर होता है जो थोड़ा बहुत झोल होता है, अब नोट बांध लेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले लूप में हमने जो चैन बनाया था, दो चैन लिया था, देख लीजिए इसमें हमने इसको ज्वाइंट किया है। अब एक दो तीन चैन ले लिया, डबल क्रोशिया किए हैं। फंदे हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक हमने निकाला, फिर दो निकाला, ये तीन। अब हर एक लूप में हमें 3 बार बनाना है। देखिए ये हमारा बन गया, चैन नहीं लेना है हमें, डबल क्रोशिया करके अब दूसरे वाले में बनाएंगे। एक हमने बना लिया, फिर हम एक ये दूसरा बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखना फंदे कैसे निकाल रही हूँ, एक दो तीन। अब देखिए ये हमारा दो बन गया लूप, अब ये वाला हमारा बीचों बीच है, जब इसमें हम बना लेंगे, एक इधर भी साइड खाली है, दो दो हमारा इधर साइड खाली है, जैसे हमने ये दो बनाया है, अब बीच बीच का हम बना रहे हैं। देखिए एक दो 3 बार हमने फंदे निकाले, फिर डबल क्रोशिया करके ऐसे ऐसे निकाल लिए। अब एक दो तीन चैन ले लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी वाले लूप में हमें दो और बनाने हैं। अब देखिए अब साथ में इसमें चैन नहीं लेंगे, ऐसे ही बनाएंगे हर एक लूप में तीन तीन, सिर्फ बीच वाले में दो इस साइड दो उस साइड, ऐसे ही बना के पूरा लाइन कंप्लीट करना है। देखिए दो हमने बना लिया था, ये तीसरा फंदा भी हम बना लिए। अब डबल क्रोशिया करके अब यहाँ पे हम चैन नहीं लेंगे, दूसरे वाले फ्लावर जो हमने पैटर्न बनाया है इसके लूप में हम ये बनाएंगे, ऐसे हाथ से पकड़ लें जिससे खींचा खींचा ना दिखे। दूसरा ऐसे, तीसरा, अब ऐसे ही हम पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे जैसे हमने बताया था, बीच में ऐसे बनाना है, फिर यहाँ पे कोई चैन नहीं लेना है, एक यहाँ पे बांट लेना है। अब ऐसे हम पूरा लाइन बनाते कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही पूरा कंप्लीट करके अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए हमने सभी इस पैटर्न के ऊपर हमने बॉर्डर बना दिया है, बॉर्डर क्या फुल कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए आप लोग कितने पैटर्न आए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, 18 पैटर्न आए हैं, तो हम नौ नौ डिवाइड कर ले रहे हैं। अब 9 पैटर्न हम बनाएंगे। अब इसका इस फ्लावर का डिजाइन का व्हाइट कलर से बॉर्डर बनाना शुरू कर रहे हैं, बॉर्डर बनाएंगे साथ साथ फ्लावर भी फोड़ेंगे, क्योंकि हम दो लाइन बना के फिर एक घटाएंगे। पहले नोट बांध ले रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट वाले फंदा पे ज्वाइंट किए हैं हम, अब ये दूसरे वाले फंदा पे सिंगल क्रोशिया हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, थोड़ा सा ढीला ढीला बनाना नहीं तो सिकुड़ जाएगा। हर एक फंदे में हमें सिंगल क्रोशिया बॉर्डर बनाते हुए जाना है। देखिए हमने इतना बना लिया, अब हम इस वाले जहाँ चैन लिए थे
इस वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब चैन हमें लेना है 1 2 3 4 5 6, 6 चैन हमने लिया। अब 3 बार लपेटेंगे, 2 3। अब देखिए अब हम बना रहे हैं, अब दूसरा वाला इसके ऊपर हमारा फूल फूट जाएगा। फिर 1 2 चैन लेना है, फिर 3 बार लपेटना है, फिर इसी में हमें लूप में बनाना है। फिर 1 2 2 हमने लिया, फिर 1 2 3 बार लपेटा क्रोश में, फिर इसी पे ऐसे फंदे बना रहे हैं, 1 2। अब हम पांचवा बना रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 चैन हमने ले लिया, यहाँ पे हमने 5 बन गया हमारा। और 6 चैन लेने के बाद इसी लूप में हम इसे सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर देंगे। देखिए अभी हमारा एक फ्लावर का पैटर्न बन गया आराम से। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब ये सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बॉर्डर बनाते, जैसे उस साइड बनाए थे इसे बॉर्डर बनाते चले जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत प्यारा लगता है रियल में। अगर ये आप लोग बना पाओगे तो देखोगे कितना सुंदर है ये तोरण लगता है। ये बिनाई का तोरण है, ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। देखिए ये हमारा पैटर्न बन के कम्प्लीट हो गया, इसके ऊपर भी सेम ऐसे बनेगा, बनने के लिए रेडी भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे जो दोनों ज्वाइन किए थे इसमें एक गैप है थोड़ी सी, अब इसमें बना लेंगे। अब ऐसे ही सेम बनाते चले जाएंगे। आप फंदे में ऐसे थोड़ा धीरे ढीला ढीला फंदा इसको फ्री करके लेना, जिससे ऊन का चीज है अगर थोड़ा सा भी टाइट होता है तो बाद में बनने के बाद सुकड़ा सुकड़ा दिखता है पैटर्न। आप लोग इस चीज का ध्यान देना। देखो खिले खिले एकदम लूज लूज लिए हैं मगर अच्छे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ही हम 9 पैटर्न के ऊपर बना के सेम ऐसे ही दिखाते हैं। देखिए हम पैटर्न के ऊपर हमने ये बॉर्डर बनाते हुए फूल को फोड़ दिया है। हमने कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे नहीं बनाया है क्योंकि हम आधा बना लेंगे फिर उसके बाद आधा बनाएंगे। अब देखिए नोट बांध ले रहे हैं। अब यहाँ पे सेम वैसे बनाएंगे जैसे फर्स्ट लूप में, इसे हम बांध दिए, 1 2 3 डबल क्रोशिया करके फंदे वैसे ही निकालने हैं, फिर इसी लूप में तीसरा भी बना ले रहे हैं। एक चैन का हो गया, 2 बुनाई। फिर अब दूसरे वाले लूप में, वीडियो काफी बनो बड़ी बनती जा रही है, 2 3, फिर ऐसे ही इस लूप में भी करेंगे आगे। दो ही बनाना है बीच वाले में, 2 इस साइड 3 बनाएंगे, 2 इस साइड 3 बनाएंगे, ये बीच वाले में हम 2 बनाए, फिर 1 2 3 चैन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करके इसी लूप में हम 2 और बनाएंगे। बीच वाले में चैन लेने के बाद ये 2 इस साइड बने हैं, 2 इस साइड, अब उसके बगल वाले में। अब हर लाइन दिखा रही हूँ आप लोगों को, अच्छे से वाच करना जिससे आप लोग आसानी से बना पाए। आप लोग कमेंट करते हो कि उल्टा कैमरा है। अब हम सामने हमारी लड़की शूट करती है, स्टैंड पे हम नहीं करते हैं, फिर उसके बाद हम बुनाई करते हैं इस साइड से।
मोबाइल से बनाते हैं, कैमरा से नहीं बनाते। अब देखिए हम चैन नहीं लिए हैं, अब दूसरे वाले में ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे, सेम वैसे। देखिए अच्छे से पैटर्न आ गया। बहुत बहनों का कमेंट था कि आप एक बार हर लाइन बना के दिखाइए। हर लाइन बनाएंगे बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। देखिए सेम अब ऐसे तीन तीन फंदा कर लिए, बुनाई कर रहे हैं। फंदे तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे निकाल रही हूँ। अब बीच वाले में आ गए, अब ये दो करेंगे। अब ये दो चैन लेंगे, ऐसे हम बना के ये लाइन कंप्लीट करेंगे। दो नहीं तीन चैन लेंगे, बीच में हमें तीन चैन लेना। दो इस साइड फंदे बनाने हैं, दो इस साइड, ऐसे ही बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए हम दूसरा वाला लाइन भी हम बना के कंप्लीट कर लिए हैं, रेड वाला। आप लोगों को इतना तो इतना दूर तो समझ में आ गया। अब इसके आगे हम फिर व्हाइट कलर से बना रहे हैं। फर्स्ट वाले यहाँ पे फंदे में इसे ज्वाइंट करनी है। इसको हर बार इस साइड कर लेंगे और इसी में बुनाई कर लेंगे तो खराब नहीं दिखेगा। अब दूसरे वाले फंदा में इसको ढीला हमें फंदा लेना है, सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे हम बनाते सिंगल क्रोशिया जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एक दो दो पैटर्न हम एक दूसरे पर बना लिए हैं। अब इसे हम एक घटाएंगे, कैसे घटाएंगे आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब हम आ गए जहाँ हमने तीन चैन लिया था, इस वाले में सिंगल क्रोशिया एक बनाई। इसी लूप में हम दूसरी बार बनाई, इसी लूप में हम तीसरी बार बनाई, फिर उसके बगल वाले में हमने बनाया। देखिए हम बनाते चले जा रहे हैं, इसमें हम कोई फोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें घटाना है। सिंगल क्रोशिया इसे बनाते हम यहाँ चले आए हैं। अब यहाँ पे जो है इसके हम पूरा आर पार करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ऐसे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हम दूसरे वाले में पैटर्न में आ गए हैं। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं बनाया है। अब दूसरे पैटर्न पे हम आ गए हैं, बुनाई कर रहे हैं। ढीला फंदा मैं बना रही हूँ, एकदम ढीला भी नहीं बना रही हूँ कि गंदा दिखे। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए इस लूप में। अब यहाँ पे हम फूल फोड़ने के लिए एक दो तीन चार पाँच छ चैन लिए, तीन बार हम क्रोश में लपेटे, फिर इसी लूप में फंदे बनाना शुरू कर दिए हैं। बहुत इजी से फंदे बन जाते हैं। एक दो चैन लिए, फिर हम तीन बार क्रोशिया लपेटे, फिर एक दो चैन लिए, छह बार हमें बनाना है इसमें। देखिए पांच हो गया है। अब एक दो तीन चार पाँच छह, छह चैन बना के हम इसी लूप में सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर देंगे। अब ये हमारे छह पैटर्न यहाँ पे छह फंदे बन गए हैं। अब ये पैटर्न बनने के लिए रेडी हो गया है। फिर देखिए अब हम सिंगल क्रोशिया करते हैं। अब हम बनाते यहाँ तक फोड़ेंगे, यही चीज सेम। अब यहाँ तक फोड़ेंगे, फिर इधर से सिंगल क्रोशिया बनाते यहाँ तक आ जाएंगे। आपको दिखाती हूँ, मैं एक साइड के बनाई हूँ। देखिए दो बनाने के बाद एक घट गया, फिर इस पे दो बनाई हूँ फिर एक घट गया, फिर दो बनाई हूँ एक घट गया, ऐसे करके हमको लास्ट तक बनाना है। चलिए हम बनाते हैं, एक लाइन ही बना के कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए एक घट गया हमारा, इसके ऊपर हमने
कितने पैटर्न बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 थे, फिर उसके बाद 2 घटा 7 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 5, हम 1 2 3 4 5 फंदे बना लिए हैं। अब ये 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चैन लेने के बाद हम यहीं पे लूप में ले आके ज्वाइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद हम जैसे इस साइड बनाए थे, यहाँ पे शुरू में ये पूरा बॉर्डर ही बनाना था क्योंकि घटना है, ऐसे ही इस साइड भी हम बॉर्डर ही बनाते लास्ट तक जाएंगे। रेड कलर का हमने देखिए नोट लगा लिया। अब इस फंदे के ऊपर हम बनाना शुरू करेंगे। ये 9 थे, घटने के बाद 7 बचे हैं। अब यहाँ से शुरू हम कर देंगे फर्स्ट वाले लूप से। अब इसको हम फंदे बांध देंगे। अब 1 2 3 चैन ले लिए, डबल क्रोशिया करें। आप लोग देखिए फंदे ऐसे निकाल रहे हैं हम। एक चैन का हो गया, दो हमने फंदे निकाला। फिर अब दूसरे वाले में दो फंदे हो गए, तीसरा बना रही हूँ, तीन बन गए। फिर दूसरे, फिर तीसरे वाले में ये दो बनाने के बाद जब हम तीसरा बनाएंगे उसमें हम दो ही फंदा पहले बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन ले लेंगे, फिर इसी लूप में दो फंदा और बनाएंगे। फिर उसके जस्ट बगल वाले में तीन फंदे बनेंगे, इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। जितना हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को समझा दें, फिर उसके लास्ट वाले में भी तीन फंदा बनेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है बहनों। देखिए ये हमारा एक पैटर्न यहाँ पे बनके रेडी हो गया। अब हम डबल क्रोशिया लिए, अब ये दूसरे वाले फंदे में चैन नहीं लेंगे, ये इसके फर्स्ट वाले में ऐसे ही सीधा ही फंदे बना लेंगे, ऐसे एक निकालें दो, फिर इसमें भी तो तीन ही बनेंगे, बीच वाले में दो बनते हैं एक साइड, फिर तीन चैन लेते हैं, फिर दो बनते हैं। देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से आ गया, ना झोल आया है ना कुछ आया है, ऐसे ही। अब देखिए एक बना लिया, इस फिर इसके ऊपर एक बनेगा, फिर एक जैसे इधर इधर घट गया है वैसे एक घट जाएगा। यहाँ पे हम दिखा दिए हैं आप लोगों को, अब इतने में तो समझ में आ गया होगा। देखिए एक घटा था, फिर इसके बाद एक घट गया, दो बनाने के बाद 1 2, फिर दो बना लिए, फिर यहाँ पे दो बनाए, ये दो घट गया, फिर दो बनाए, ऐसे करते लास्ट हो जाता है। लास्ट में हमारा एक एक बचता है, दो बना के हम छोड़ दिए, हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पूरा लाइन पूरा अच्छे से समझाया है। अब इसी ट्रिक से आप लोग बनाना, और इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए हम बनाते बनाते अब लास्ट तक आ गए हैं। लास्ट में हमने तीन तीन पैटर्न का दो लाइन बना लिया है, दो लाइन बनाए हैं। अब एक इधर घटाएंगे, एक इधर घटाएंगे। अब यहाँ पे हमने सेम ऐसे ही बॉर्डर बनाते हुए फ्लावर के ऊपर, पैटर्न के ऊपर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब इसे भी हम सिंगल क्रोशिया बीचों बीच ऐसे कर देंगे, फिर वही सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। थोड़ा सा हमें ये वाला जो सिंगल क्रोशिया बुनाई करते हैं ये ढीला हमें लेना है, नहीं तो थोड़ा सा ये सुकड़ा सुकड़ा दिखेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना, थोड़ा सा ढीला करना। देखिए हमने यहाँ तक बना लिया। अब ये जो तीन चैन लिए थे यहाँ पर, एक सिंगल क्रोशिया बनाई, अब चैन बना रही हैं 1 2 3 4 5 6, तीन बार हमने क्रोशिया हम लपेटी, फिर इसी लूप में ले आके बना रहे हैं। फिर 1 2 चैन ली, फिर तीन बार लपेटी, ऐसे ही
छह बनाना है। ऐसे ही हमें पैटर्न बना के, तो जैसे इस साइड हमने बॉर्डर बनाया है, इस वाले में भी बॉर्डर बनाएंगे। बीच में एक आ गया हमारा, एक के ऊपर एक और बना लेंगे, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तोरण। देख लीजिए हमने पूरा पैटर्न बना लिया है, बहुत अच्छे से हमारा पैटर्न आया है। आप लोग भी देख लीजिए, आप लोगों को कलर वाइज अपने हिसाब से बनाना। अगर ये कलर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ये भी बनाना। देखिए हमने एक कैप ले लिया है, व्हाइट कलर की मोती लिया है। चलिए छलरी बनाना बताते हैं। हम पूरा स्टेप फॉलो किए हैं, आप लोग ध्यान से देखना, बहुत अच्छा तोरण बनेगा। 2, 3, 4, 5 ऐसे 40 बार हमें फोल्ड करना है, क्योंकि मोटी छलरी बनानी है। देखिए हमने 40 बार फोल्ड कर लिया है, काफ़ी मोटा आया है। अब इसे निकाल के ऐसे बराबर पकड़ लें, जिससे कोई सा भी ऊन छूटे ना। 3-4 बार ऐसे खूब कर लें, इसे फोल्ड कर लें। फिर एक बार हमने बांध दिया, इन दो बार हमने बांध दिया, एक बार और बांध देंगे, जिससे ये निकले ना, ये सालों साल चलता रहे तोरण। अब कैंची से काट लेंगे। आगे पीछे हुआ होगा उसको काट लें। काट लिया, बराबर कर लिया। अब चलिए लगाना शुरू करते हैं। देखिए सुई डोरा की मदद से हम बनाना शुरू करेंगे। इसके बीचों बीच डाल लेंगे, फिर उसके बाद एक कैप लगाएंगे। धागा देखिए हमने 4 फोल्ड करके डाला है, जिससे मजबूती रहे निकले ना। कैप लगाने के बाद हमने 2 मोती डाली है, अब देखिए यहाँ पे हम टांक रहे हैं, इसके बीचों बीच हम टांक रहे हैं। आराम से खूब टाइट से ऐसे खींच देंगे, ताकि सट जाता है, जिससे लूज ना हो। 2, 3 जितनी बार 2, 3, 4 बार करेंगे ना आप लोग, ये निकलता नहीं है। 2, 3 देखिए अब इसे पीछे साइड करके ऐसे निकाल लें और इसे काट लें। बहुत अच्छा तोरण बनके तैयार हो गया है। अब जैसे आप लोगों का यहाँ यहाँ पे है, एक एक्स्ट्रा बचेगा तो चलो बीच का हो जाता है पैटर्न, तो दूसरा कलर लगा लें। और जब नहीं बचा है इसमें, इसमें तो 9-9 आए थे, 18 पैटर्न बने थे, इसको हम दोनों सटा देंगे, एक पैटर्न बढ़िया से दिख जाएगा। अब इसी में एक व्हाइट कलर का लगा देंगे, देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए ऐसे लगा देंगे ना, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब आप लोग जैसे नहीं लगाना चाहते हो तो हाफ हाफ रहन देना। अगर ये तोरण की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। मिलती हूँ एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।